दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मित्र देश भूटान से। अमेरिकन फिल्म स्टार विल स्मिथ पहुंचे हैं भूटान और करीबन 13 दिन का उनका ये दौरा है और डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग के लिए वो यहां पे भूटान पहुंचे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि नेशनल ज्योग्राफिक फिल्मिंग प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकन फिल्म स्टार भूटान 13 दिनों के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान वह भूटान के पुनाखा, गाज़ा, वांगदी और चुखा जैसे क्षेत्रों में वो जाएंगे और अपना प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करेंगे। आप सभी को ये भी बता दें दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट में करीबन 70 लोग इस महीने नवंबर भूटान में पहुंचेंगे, जैसा कि सूचना मिल रही है सूत्रों से। और ये एक बहुत ही बड़ी खबर है पड़ोसी मित्र देश भूटान से, जहां पे अमेरिकन फिल्म स्टार विल स्मिथ पहुंचे हैं भूटान में 13 दिन के दौरा के लिए। 13 दिन के इस सफ़र में वो डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग बनाने के लिए यहां पे पहुंचे हैं और एक प्रोजेक्ट है, नेशनल ज्योग्राफिक फिल्मिंग प्रोजेक्ट है, जिसके लिए वो भूटान पहुंचे हैं। आप सभी को सीधा दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहे हैं, जो कि सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार आपको एक बार फिर से बता दें कि 13 दिन के इस डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग सफ़र में भूटान में जब पहुंचे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, लगभग 70 लोग यहां नवंबर में भूटान में पहुंचने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और जैसा कि आपको बता दें, कोरोना काल के बाद में, काफ़ी लंबे समय के बाद में भूटान पर्यटकों के लिए खुला है और जब से भूटान ने पर्यटकों के लिए दरवाज़ा खोला है, तब से पर्यटकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। भारतीय पर्यटक भी काफ़ी भारी मात्रा में भूटान जाते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं विदेशी पर्यटक भी काफ़ी भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। और इसी सिलसिला में आप देख सकते हैं कि अमेरिकन फिल्म स्टार भूटान पहुंचे हैं और 13 दिनों के लिए पहुंचे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है और भूटान पूरी तरह से इस तरह से वेलकम करता हुआ नज़र आ रहा है, पर्यटकों का वेलकम करता हुआ नज़र आ रहा है और ये काफ़ी शुभ संकेत है भूटान और भूटान के पर्यटन के लिए।